The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, lung transplant kya hai? Lung transplant yani operation jisse ki aapke phefde jo aapke paas hai उसमें से एक या दोनों एक या दोनों ऑब्वियसली बीमार होंगे, खराब होगा, तभी ट्रांसप्लांट होगा, उसको एक हेल्दी लंग से वो किया जाता है रिप्लेस, राइट, एक डोनर से, डोनर किसी से लंग लेके आपके अंदर डाला जाता है, अगर ऐसा होता है तो उसे कहते हैं लंग ट्रांसप्लांट। और ऐसे में मोस्ट केसेस में जो नया लंग मिलता है वो पर्सन 65 की एज से छोटा होना चाहिए एंड ब्रेन डेड होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, और वो पर्सन लाइफ सपोर्ट में होना चाहिए, ना ऐसा नहीं होता कि जिंदा आदमी का लंग निकाल के आपको दे दे, नहीं ऐसा नहीं, या तो ब्रेन डेड हो, लाइफ सपोर्ट पे हो और साथ में उसकी उम्र 65 के नीचे हो, इसलिए डोनर मिलना मुश्किल होता है, राइट। और डोनर लंग ऑब्वियसली डिजीज फ्री होना चाहिए, किसी के फेफड़े खराब है उसके फेफड़े निकाल के आपको लगा देंगे तो क्या फायदा है कि नहीं, और आपके जो टिश्यू टाइप्स हैं उससे क्लोजेस्ट मैच होना चाहिए, मैचिंग भी जरूरी, राइट। इससे क्या होगा, बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी कम से कम हो जाएगी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की। सो लंग माइट आल्सो बी गिवन बाय अ लिविंग डोनर, ये पॉसिबल है, मैंने बताया नहीं बट पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन एक ही लंग दे सकता है वो आदमी जो देगा, एक लंग, राइट, नॉट दोनों नहीं, राइट। उसके लिए कई बार ऐसा होता है, और वो भी एक लंग में, एक लंग का एक सेगमेंट देता है, सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट, लंग का एक लोब होता है, लंग में एक जगह तीन, एक जगह चार लोब, एक जगह तीन, एक जगह दो लोब होते हैं, पांच छह लोब होते हैं, तो लोब में से एक सेगमेंट, एक लोब दिया जाता है, और कई बार दो से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है डोनेट करके, कि एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, तो चलो दूसरे पर्सन का काम चल जाएगा, ऐसे दो से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, ईच वन डोनेट्स वन सेगमेंट, है ना। इसको फिर जो ले रहा है उसमें उसके मैच होना, ये होना, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा, इसलिए लिविंग वालों से रेयरली मिलता है, बहुत बहुत रेयर है, पर पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा था छोड़ो। सो सर्जरी के टाइम पे जनरल एनेस्थीसिया यूज होगा, आपको फील नहीं होगा, आपका छाती फड़ा जाएगा, कट किया जाएगा बढ़िया से और ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा हार्ट लंग मशीन के मदद से। नाउ ये क्या चीज है, हार्ट लंग मशीन का मतलब है कि जिसमें कि आपके जो वर्किंग हार्ट है उसका जो ब्लड लंग में जाता है वो ब्लड वहां ना जाके उसको एक हार्ट लंग मशीन में चले जाता है, और वो हार्ट और लंग उसमें दोनों काम करते हैं, वहां से पंप होके फिर वो एओर्टा में जाता है, तो हार्ट लंग मशीन आपकी आपके शरीर को जिंदा रखती है वाइल हार्ट पे या लंग पे ऑपरेशन किया जा सकता है। सो हार्ट लंग मशीन इस तरह की होती है, बड़ी जोरदार होती है, राइट। ओके, आई हैव अ कॉल अगेन, मैं तो बाहर में जा रहा हूं, ठीक है। एंड देन व्हाट एल्स, हार्ट लंग मशीन पे ऑपरेशन 4 से 8 घंटे ले सकता है, और पहले तो जो खराब लंग है उसको निकाला जाता है, डबल लंग ट्रांसप्लांट भी किया, तो दोनों लंग डाले जा सकते हैं, एक लंग डाला जा सकता है, उसके लिए भाई साहब ऑपरेशन के प्रोसीजर को तो छोड़ दो, और करना क्यों है, किसमें करना है, राइट। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट दोनों एक साथ किया जाता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है दुनिया के अंदर। सो करेंगे किसमें, ऑब्वियसली करेंगे उसमें जिसमें लंग खराब हो चुके हैं और किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट से लंग जो है वो ठीक नहीं हो रहे। अगर ऐसा कोई केस है कि किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट से लंग ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम, या फिर पर्सन सांस नहीं ले पा रहा, उसकी जान को खतरा हो सकता है, आगे चल के कोई फायदा नहीं है, आगे की लाइफ बहुत ज्यादा सफर होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ, तब लंग ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो कौन कौन सी बीमारियों में लंग ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है, नंबर वन सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बचपन से होती है, तो ऐसे केसेस में लंग ट्रांसप्लांट जरूर पड़ सकती है। फिर अगर कंजेनाइटली बचपन से लंग की जो आर्टरीज है, खून की नसें हैं, उसी में कुछ गड़बड़ हो, लंग के अंदर देयर इज अ डिफेक्ट इन दी आर्टरी, डिफेक्ट इन द हार्ट, हार्ट में कोई डिफेक्ट हो या लंग के आर्टरीज में डिफेक्ट होगी, उसके वजह से दिक्कत, लंग खराब हो गए, राइट। और
मार लीजिए लंग के जो ब्रोंकियेक्टेसिस बोलते हैं, बड़े बड़े जो सांस की नलियां है वो पूरी आड़ी टेढ़ी होके ना एकदम खराब हो गई है इस तरीके के। एम्फाइसीमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, COPD। एम्फाइसीमा मतलब बड़े बड़े हो गए हैं उनके जो जो गुब्बारे, छोटे 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 बहुत सारे करोड़ों गुब्बारों में एक दो बड़े बड़े बन गए ऐसे फट फट के सब एक साथ जुड़ गए। सो दीज आर एल्विओलाइज विच आर जॉइंट टुगेदर, राइट। सो एम्फाइसीमा, COPD या फिर कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जिसमें कि लंग्स के जो आसपास की सारी टिश्यूज हैं वो सब सख्त हो गए, स्ट्रांगली फर्म हो गए ऐसे में। फिर हाई ब्लड प्रेशर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के केसेस में भी ऐसी नौबत पड़ सकती है, बट देन दैट इज अ सीवियर फॉर्म, सीवियर केस, माइल्ड में कुछ नहीं होता। सार्काइडोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे लंग्स में ग्रैनुलोमेटस टिश्यू बनता जाता है, लंग खराब हो जाते हैं, ऐसे में भी होता है। और किस केस में, किसके केसेस में लंग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? नंबर वन, अगर आप बहुत ही बीमार है, बहुत ही मैल नरिश्ड है, बैडली नरिश्ड है, बहुत ही ऐसी हालत ही नहीं है जिसमें ऑपरेशन किया जा सके, राइट। और या फिर अगर आप अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं या दारू पी रहे हो या जो भी ड्रग्स ले रहे हो जिसकी वजह से लंग खराब है वही कर रहे हो, तो क्या फायदा आपको लंग देके, राइट, उसको भी खराब करोगे, है कि नहीं? इससे बेटर पर्सन को दो। फिर अगर आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या HIV इन्फेक्शन है तो भी लंग ट्रांसप्लांट आपको नहीं किया जाता। अगर आपको कैंसर एक्टिव, अगर कोई एक्टिव की एक्टिव हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV है तो इनएक्टिव वाला नहीं, ठीक हो जाने के बाद दे सकते, एक्टिव केस है तो नहीं देते उस समय। फिर कैंसर हुआ था अगर आपको आखिरी लास्ट दो साल के अंदर, आखिरी लास्ट टू इयर्स के अंदर अंदर अगर कैंसर हुआ है तो आपको नहीं देंगे। लंग डिजीज है जो कि नई वाले लंग्स को भी आ जाएगी, ऐसी कोई बीमारी है ऑब्वियसली नहीं देंगे। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो दूसरे ऑर्गन भी खराब कर चुकी है तो भी नहीं देंगे। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई भरोसा नहीं, आप दवा खाओ नहीं खाओ तो भी आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर आप इन सारे में से अगर आप हॉस्पिटल या डॉक्टर से रेगुलर टेस्ट नहीं करवा रहे हो तो भी इट्स पॉसिबल कि आपका नहीं दिया जाए ये इस तरीके का लंग ट्रांसप्लांट। सो लंग ट्रांसप्लांट में क्या रिस्क होते हैं? ऑब्वियसली देखिए, जब भी लंग ट्रांसप्लांट होता है क्लॉट्स बन सकते हैं, देयर कैन बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, देयर कैन बी डायबिटीज, बोन थिनिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल। जो दवाइयाँ दी जाती हैं ना ट्रांसप्लांट की, उनका ये साइड इफेक्ट्स होता है, डायबिटीज़ हो जाना, बोन पतली पतली हो जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाना, दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। जी हाँ, बहुत बढ़ जाता है इन्फेक्शन का रिस्क लंग ट्रांसप्लांट के बाद। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज आपका दवाइयां ऐसी दी जाती है ना जिससे कि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो, ये जरूरी होता है, राइट। तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, नहीं तो इम्यूनिटी सप्रेस नहीं करेंगे तो जो नया लंग है उसी को फॉरेन सब्सटेंस पकड़ के आपका खराब कर देगा बॉडी इम्यूनिटी। सो ये भी बहुत जरूरी है। फिर डैमेज हो सकता है आपके किडनी, लिवर, लंग, ये सारी जो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन हैं इनके वजह से। और फ्यूचर में भी कुछ तरीके के कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं लंग ट्रांसप्लांट के बाद, इसीलिए उसी में किया जाता है जिसमें और कोई ऑप्शन नहीं। ऐसा नहीं चल नया लंग लगा लेंगे, आपने 10 साल हो गए स्मोकिंग करिए, 20 साल हो गए नया लंग लगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पैसा है तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना। सो फिर अगर मान लीजिए कई बार नसों में प्रॉब्लम आ जाती है ऑपरेशन के बाद, खून की नसें, इलेक्ट्रिकल नसें, रिजेक्शन हो जाता है लंग ही, पूरा का पूरा नया लंग ही खराब हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है नया लंग लगा दिया, सब कर दिया लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा, कई बार ऐसा भी होता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझना है कि ये एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन है, और अच्छी बात होती है ज़्यादातर केसेस में कामयाब हो जाते हैं, बट अगर नहीं हो तो फिर वो दैट आर सीज। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप होते हैं सारे के सारे, इन्फेक्शन के लिए, हार्ट के लिए, ECG, पैप स्मियर, ये वो, कोलोनोस्कोपी, कोई ना कोई कैंसर ना निकल जाए ऐसा वैसा ये वो, तो सब बहुत ज़रूरी है। और प्रोसीजर के बाद आपको 7 से 21 दिन तक, आपको 7 से 21 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, और उसके बाद ICU में रहना पड़ सकता है जितने दिन, उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे रिकवरी होगी, 6 महीने तक रिकवरी होगी, और उसमें हो सकता है कुछ टाइम तक आपको हॉस्पिटल में 1-2 महीने 3 महीने बार बार रेगुलर बुला के कुछ दिन रखा भी जा सके। रेगुलर ब्लड टेस्ट होंगे, रेगुलर एक्सरे होंगे, और ज़्यादातर याद रखिए इसमें जिसको लाइफ थ्रेटनिंग लंग डिजीज़ है उसी में ये ऑपरेशन होता है और वैसे नहीं किया जाता। और अगर आपका हो रहा है सो एक सेकंड, हेलो,
कैसे कॉल आते हैं यार. ओके मैं करता हूँ सॉरी. सो रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं, याद रखिए. इसमें चांसेस जो होते हैं, वन चार में से पांच पेशेंट्स जो हैं, सॉरी पांच में से चार पेशेंट जो हैं, कम से कम एक साल में उनका रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं. कई सारे लोगों के रिजेक्शन के चांस, देखो इसमें एग्जैक्ट रिस्क तो नहीं इस तरह से बोल सकते, लेकिन सबसे बड़ा चांस होता है रिजेक्शन का. सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अच्छे से अच्छा डोनर, अच्छे से अच्छा मैच मिलना. मैच की जब बात करते हैं तो ब्लड, जो ब्लड कंपैटिबिलिटी होती है, आरएच कंपैटिबिलिटी होती है, टिश्यू भी कंपैटिबल होता है कि नहीं, वो टेस्ट किया जाता है. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को अपने लंग को बचा के रखना. ऐसी नौबत ही मत आने दो कि लंग खराब हो और ट्रांसप्लांट की नौबत आए. फिर भी अगर आ जाती है तो भगवान आपका के ऊपर दया करे और ट्रांसप्लांट आपका रिजेक्ट ना हो. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी हैव. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.